रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीब रामू और उसकी पत्नी रहा करते थे। यह परिवार बहुत ही गरीब था। रामू रोज सुबह उठता और खेत में काम के लिए निकल जाता था और शाम को थका हारा अपना काम करके वापस लौट आता था। हे भगवान, मैं रोज इतना मेहनत करता हूँ पर मुझे अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता। मुझे दर्शन दो भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, मेरी मेहनत का मुझे कब फल मिलेगा भोलेनाथ। तभी वहाँ पे भोलेनाथ प्रकट होते हैं और रामू को दर्शन देते हैं। बेटा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल मिल ही जाएगा। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिले उतना ही मैं चाहता हूँ। मुझे कुछ आशीर्वाद दे दो भगवान। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारा दुख दूर करने ही यहाँ आया हूँ। तुम तुम्हारा काम ख़त्म करो और घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा फल जरूर मिल जाएगा, तथास्तु। अरे वाह, आज तो साक्षात भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिए हैं। अब तो मुझे किसी भी फल की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही अपना जीवन गुजार सकता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर जाके शीला को बताता हूँ, शीला भी बहुत खुश हो जाएगी। अरे, इतने पैसे किसके गिर गए होंगे? बेचारा रो रहा होगा, या शायद भोलेनाथ ने मेरे लिए छोड़े होंगे, क्या पता। चलो उठा लेता हूँ, कोई मांगने आएगा तो दे दूँगा। रामू पूरे पैसे उठाता है और अच्छे से गिन लेता है और गिनने के बाद अपने जेब में रखकर घर की ओर निकल पड़ता है। और जैसे ही घर में जाता है, शीला सामने ही खड़ी होती है। अजी, सुनती हो, मैं आज खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा, बेटा तुम मेहनत करो, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें दर्शन दिए, अब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अरे मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी दर्शन ले लेती, पर चलो कोई बात नहीं, आपने दर्शन लिए और मैंने लिए, एक ही बात है। देखो भगवान, जैसे ही भगवान ने मुझे दर्शन दिए, वैसे ही मुझे रास्ते पर आते वक्त कुछ पैसे पड़े मिले, पर शायद किसी गरीब के पड़े होंगे, तो हम उसे लौटा देंगे। अगर कोई नहीं आया तो हम समझ लेंगे कि ये भोलेनाथ ने हमें दिए हैं, ये ले लो। अरे वाह, देखो यहाँ भगवान ने दर्शन दिए और इधर आपको पैसे मिले, मुझे तो लगता है ये पैसे भगवान ने ही हमें दिए हैं, किसी के जेब से नहीं गिरे है। अब मैं इसे छिपा देती हूँ, वरना किसी को पता चला कि हमारे पास इतने पैसे हैं, तो लोग हक जमाने आ जाएंगे और कहेंगे हमारे पैसे हैं। चलो हम इसे छुपा देते हैं। मैंने इस मड़के में पैसे छुपा दिए हैं और ऊपर से मिट्टी डाल दी है, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। रात ज़्यादा हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह अचानक से जिस मड़के में पैसे रखे थे, उस मड़के में पैसे का पेड़ उग जाता है। तब रामू और शीला उस पैसे के पेड़ को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, पैसों का पेड़, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मैंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा, शायद ये भोलेनाथ की ही कृपा होगी। हाँ भगवान, ये भोलेनाथ की ही कृपा है, वरना पैसों का पेड़ कहीं देखा है भला। जय भोलेनाथ। अब रामू और शीला के पास पैसों की कुछ भी कमी नहीं रहती। वो दोनों अपने बड़े से घर में भोलेनाथ का एक मंदिर बनाते हैं और रोज पूजा करते हैं और जो भी बेचारा गरीब मिलता है उसकी मदद करते हैं। अब रामू और शीला अच्छी सी गाड़ी और बंगले के मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी होगी तो भोलेनाथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।